लड़ने भिड़ने को तैयार खड़े हैं, तो आतंकवादी किसको कहेंगे? या आईएसआईएस जो टेररिस्ट बन रहे हैं क्या कहेंगे, किसको कहा जाएगा, इसका लक्षण क्या है? जैसे कंस? नो, नहीं बोले नहीं। कि देखिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं, लेग ओपन, मैं नीचे आ रहा है, okay. नीचे कोई बात नहीं, सुनिए हाँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो घर में आग लगाता है, अच्छा, जो बीज दे करके लोगों को मार डालता है, हथियार ले करके, गांड ले करके शूट कर रहा है, मर्डर कर रहा है, वो अच्छा, जो धन संपत्ति को छीन लेता है, जो स्त्रियों पर अत्याचार करता है, उसको मारता है, शोषण करता है, और बच्चों को जो मार डालता है, इनको आतंकवादी कहे जाते हैं, है ना? ये आतंकवादी होते हैं, ये टेररिस्ट होते हैं, जो आईएसआईएस कर रहा है, ना? ये टेररिस्ट कैसे लोगों को गला काट रहे हैं, निर्मम हत्या, और क्या क्या करते हैं? तो कृष्ण ने कहा, और जो ये बात बताओ, इन लोगों ने कौन सा काम नहीं किया? इन छह लक्षणों में से ये कौन सा काम नहीं किया? क्या घर में आग नहीं लगाया? लक्षागृह में किसने आग लगाया था? लाख का घर बना करके उसमें आग लगा दी कि ये पांडव लोग जल करके खत्म हो जाए, हाँ। पांडव लोग जल के खत्म हो जाए, इसके लिए तो आग लगाया, हाँ। परंतु पांडव बचे कैसे? किसने बचाया? कृष्ण ने। बोले जा रहे हो, जाओ उस घर में रहने के लिए, जब बोल रहे हैं तो जाओ, परंतु एक बात याद रखना, पहले जाते ही सुरंग का रास्ता देखो, कौन सा रास्ता, कहाँ से दरवाजा है, कहाँ तक गया है, निकलने का रास्ता पहले देख लो, कोई बात होगी तुरंत वहां से निकल लो। ये कृष्ण ने और विदुर ने बता दिया था, हाँ। कि ये बना हुआ है ऐसे। तो भीमसेन ने जाकर उस दरवाजे को खोला, हाँ। खोल करके बाहर पूरा, बाहर तक पूरा देख लिया, जब ही बाहर आग लगी, हाँ। कि भाई घर में आग लग चुकी है, मिनट में ही एकदम चारों ओर फैल गया आग, हाँ। बोले बाहर नहीं निकलना, अंदर से ही निकलना है, अंडरग्राउंड से निकल गए, निकल गए, बचा तो, अच्छा, बीस दिया। जब बच्चे बच्चे खेल रहे थे, हाँ। दुर्योधन ने लड्डू में बीस मिला करके भीम को खिला दिया, अच्छा। अब भीम ने खाया, खाते ही बेहोश होकर के गिर पड़ा, तो उसको उठा करके पानी में बहा दिया, फेंक दिया। जब पानी में बह करके जा रहा था, जब पानी में बह के जा रहा था, सांपों ने, नागकन्याओं ने देखा, सांपों ने, इतना सुंदर बालक, पहले, हाँ। इतना सुंदर बालक पानी में बह के जा रहा है, क्या हुआ इसको? देखा कि इसके अंदर जहर है, तो उस जहर को निकालने के लिए सांपों ने काटा, ऐसे काटा, काट करके उसका बीज खींच लिया। सांप बीज निकालता है, आपने देखा कभी? मैंने देखा, अच्छा। सांप बीज निकाल देता है, काट के ऐसे बीज निकाल देता है, खींच के सारा बीज निकाल कर फेंक दिया, तब भीमसेन बच गया, जीवित हो उठा। तो इस तरह से भीम को बचाया और भीम को मारा किसने? कौरवों ने, बीस दे करके उनको मार दिया, फेंक दिया। अच्छा, वन में जब पांडव लोग गए, घूमते रहे, कितने बार कौरवों ने उन पर आक्रमण चलाया कि कैसे भी इनको मार डालेंगे, बहुत आक्रमण किया मारने के लिए, उसमें भी बच निकले। फिर द्रौपदी का विवाह हुआ,
जानकारी हो गई कि पांडव बचे हुए हैं, तब धृतराष्ट्र ने क्या किया, बलियारी पांडव जो हमारे भाई के पुत्र सब बचे हुए हैं उनको बुलाया जाए और बुला करके उनको कुछ दिया जाए। अच्छा बुला लिए, बुलाने के पश्चात बोले कि देखो ये खांडव प्रस्थ जो है हम तुम्हें दे रहे हैं, जो इंद्रप्रस्थ बना है, जो अरावली पर्वत पथरीली जमीन आज भी पड़े हुए हैं देखने के। अच्छा। साउथ दिल्ली में जब उसी अरावली पर्वत के अंदर से रास्ता जाता है फरीदाबाद से दिल्ली को, सारा पर्वत कुछ नहीं है, कांटे जंगल हैं बबूल के, कोई पानी नहीं कुछ नहीं, केवल पथरीली जगह, वही दिल्ली था। तो धृतराष्ट्र ने इन लोगों को वही चीज दिया, वही जगह थी। युधिष्ठिर महाराज देख करके बड़े दुखी हुए, बोले हमें नहीं था कोई बात नहीं थी, पर बुला करके ऐसी जमीन क्यों दे रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं, पेड़ नहीं, पौधे नहीं, कुछ भी नहीं, केवल पर्वतमाला है, तो यहाँ क्या होगा। तो भगवान कृष्ण ने एक बात कही, महाराज जन्मभूमि क्या है, हस्तिनापुरी, किंतु वो कर्मभूमि नहीं, ये कर्मभूमि है, यहाँ कर्म करेंगे तो यहीं पर फलता फूलता रहेगा, ठीक है पथरी जमीन मिल गया कोई चिंता नहीं कर। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन एक बार बाण मारो तो बुर करो, तो जैसे ही बाण मार दिया पानी हु हु करके आने लगा, एकदम मीठा पानी बहा। कृष्ण बोले जहाँ मीठा पानी बह रहा है वहाँ बढ़िया बिल्डिंग बन जाएगा, सारा सब कुछ होगा। भगवान ने मैदानव के पुत्र को बुलाया, बोले लो यहाँ निर्माण करो, इंद्रप्रस्थ बना दो, और बना ही दिया। अतुल वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण है जहाँ उन्होंने राजस्व यज्ञ किया, है ना, इतना अतुल वैभव आया जिसे देख कर पांडवों को ईर्ष्या हिंसा से जलन हुआ। फिर पांडवों ने क्या किया, राजस्व यज्ञ किया, कौरवों को जलता हुआ हृदय जल गया, छल चातुरी करके पासा खेल में ही उनको डिगाया कि कैसे भी राज्य संपत्ति छीन लिया जाए, वही हुआ उनके इंद्रप्रस्थ आदि सारा राज संपत्ति सब कुछ छीन लिया, छीन करके पांडवों को कहाँ भेज दिया, वनवास में 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, उसके बीच में जानकारी हो जाएगी तो फिर 13 वर्ष आपको जाना पड़ेगा। अच्छा। यानी हाँ, जीवन में कभी खड़ा नहीं हो पाए और इनको सुख भोग नहीं मिले, इसलिए धन संपत्ति छीन लिया, धनापह, फिर क्या रहा है, स्त्री बाल हंतारस्य, स्त्रियों की हत्या करना। बोले द्रौपदी का केस पकड़ करके खींच करके लाया इंद्रप्रस्थ से, ला करके कहाँ खड़ा कर दिया, दुर्योधन की भरी सभा में, और सबके सामने उसको कपड़े उतार करके नग्न किया जा रहा था, और व्यभिचार कर्मों में उसको जुटाएंगे और फिर उसके बाद में उसको मार डालेंगे, यही दुष्टों का काम था। तो द्रौपदी को उस तरह से अपमानित किया, बचाया किसने, कृष्ण ने बचाया, कपड़े बन गए ना पूरे कपड़े बन गए, तो बोले कितना कपड़ा खींचोगे, खींचो, खींचते खींचते 10,000 हाथी का बल वाला दुशासन भी गिर गया, है ना। हाँ जी। पितामह भीष्म ने कहा और चक्र छोड़ने में देर नहीं, अब सबका सर्वनाश आ गया, 2500
तो ऐसे हुआ तो द्रौपदी को अपमानित किया, निर्यातन, नारी निर्यातन है। फिर द्रौपदी के पांच बालक, पांच पुत्र सोए हुए हैं रात्रि में। 18 दिन का महाभारत युद्ध समाप्त तो हो गया, दुर्योधन भी गिर गया, तो भी अश्वत्थामा आकर के क्या किया, शिविर में घुस करके जो कोई मिले, सोए हुए हैं, सोए हुए की स्थिति में गला काट दिया, सबका मुंड उठा के ले गए पांचों बालकों का। तो कितने निर्यातन। तो कृष्ण कह रहे अर्जुन, इन्हीं से दया धर्म करना है, आतंकवादियों को शरण देना यही तुम्हारा धर्म है, तुम सनातन धर्म की बात करते हो। कृष्ण अर्जुन को सुनाने लग गए, इन आतंकवादियों से लड़ना है या मारना है या उसको बचाना है, शरण देना है, क्या करना है, है ना? इस बात को किसी भी देश के राष्ट्रपतियों को पता ही नहीं चल रहा है, बोले तब गीता की बात है, ये है गीता, है ना? तो भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन आतंकवादियों को शरण देना कभी उचित नहीं होता है, टेक्स्ट से भेजना है, इनको मारना है, छोड़ा क्या, बोले उठाओ धनुष्वान, तुम क्या सोच रहे हो? कृष्ण ने कहा, मेरी बात तुम सुनेगा ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अब सुनो मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। कृष्ण ने अर्जुन से ललकार किया, बोले लड़ो, उठो, उठा धनुष्वान। तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया कि अर्जुन पहले ये समझो कि आत्मा, शरीर और आत्मा में क्या फर्क है, इस बात को समझो। भगवान ने आत्मा के बारे में उपदेश दिया। संसार का कोई धर्म, मुस्लिम धर्म भी नहीं बोलेगा, बौद्ध नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोल सकता है। ये ख्रिस्टान आदि सभी जो बड़े बड़े धार्मिक बने हुए हों, तो ये लोग शरीर मन बुद्धि तक इससे आगे नहीं, कोई भी दार्शनिक आत्मा पर विचार नहीं किया। ये विचार दिया किसने, भगवान ने गीता में दिया कि आत्मा को समझो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसी बात को कहा है ना, बंगाल भर में प्रचार होता है, हम जाते हैं, लोग एक ही प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने गीता में इतने धर्म की बात कही और अर्जुन को धनुष्बाण उठवा दिया, बोले लो पकड़ो धनुष्बाण, उठाओ और लड़ो इनसे, मारो। तो ऐसे क्यों किया, हिंसा कर्म में क्यों लगा दिया, इतने धर्म की बात करके। तो गीता किस बात को कह रही, बोले धर्म की बात करते हैं, धर्म में हिंसा, बोले अन्याय का प्रतिवाद, ये हिंसा नहीं है, अन्याय का प्रतिवाद करना ही न्याय है, यही धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, यही बताया। आज संसार भर के लोग यदि समझे तब आग लग जाए ना, कितने आइए जाए खत्म करके छोड़ देंगे, और इतने दिन सिर ऊंचा करके वो घूम नहीं सकते, सभी देश यही समझते, गीता की बात सुन लेते। तो सबसे पहले आतंकवाद पर प्रहार किया गया, महाराज जी। तो गीता में पहले भगवान कर्मयोग बोले, हाँ, इसके बाद में भक्ति, भगवान ने तीन योग के विषय में कहा, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान ने क्यों ये बात कही, भक्ति योग, तो भगवान ने ये बात क्यों कही, कर्म योग की बात क्यों कही? भगवान बोले, हम सभी मानव के बीच में हमारे पास क्या है, हम कर्म करते हैं, सभी कुछ न कुछ करते रहते हैं, कर्म करते हैं,
हमारे अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक कुछ न कुछ है, हमारे अंदर भावना है, ये तीन चीज हमारे पास है। भगवान बोले देखो ये तुम्हारे पास कर्म है, ज्ञान है और भक्ति है, भावना है, तो उसको मेरे साथ जोड़ो। भगवान ने कहा मेरे साथ जोड़ दो, मेरे साथ जोड़ोगे तब सब सही हो जाएगा। भगवान ने क्या बताया कर्मों में, देखो संसार में लोग कर्म करते हैं, सभी लोग कर्म कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भाग नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, परंतु कर्म किसके लिए कर रहे हैं इस बात को सोचे। गीता में भगवान ने क्या बात कही कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्नत्र लोकयाम कर्म बंधन। हे अर्जुन कर्म जब संसार के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए किया जाता है तो उससे बंधन होता है, जब मेरे लिए किया जाता है तब उसमें मुक्ति मिलती है। सहज बात सीधे रूप में कि आप देखिए संसार में जितने लोग काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए, घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए। किसी से भी आप पूछिए कि भाई आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए, घर संसार के लिए, परिवार के लिए, बंधु बांधव के लिए। और भगवान कह रहे हैं मेरे लिए तो कोई करता है, जो कोई भगवान के लिए करता है बोले उससे बंधन से मुक्त है, उसको मुक्ति मिल रही है। ये कर्मों में दो ही चीज होता है, कभी अमृत बनता है कभी पीस बनता है, एक ही चीज, एक ही खाने का चीज। 10 दिन बाद में यदि आप खाएं बना करके, 10 दिन 20 दिन बाद में खा रहे, अरे सारा खराब हो गया, सड़ा हुआ है, तो उसको खाएंगे तो क्या होगा, जहर हो जाएगा, खाएं। तो ऐसे भगवान कहते हैं देखो कर्म, जिस कर्मों से अमृत होना चाहिए वहीं पर विष हो रहा है, जहर पैदा हो रहा है। एक दिन संसार पूरा उनके लिए जहर हो जाता है, तब तो दुखी होता है, रोता है। तो भगवान बोले देखो कर्म करने का उद्देश्य जहर को पैदा नहीं करना है, जहर नहीं घुटना है, अमृत पीना है। तो अमृत कैसे पियोगे, तो कर्म मुंह से जुड़ो, है ना। कर्मों को जब भगवान से जोड़ के किया जाएगा तब वो अमृत हो जाएगा। आया ना समझ में, गीता का श्लोक है और गीता में ही कह रहे हैं कर्मयोग के बारे में, भगवान से जोड़ के कह रहे हैं। सभी लोग करते हैं कर्म करने से नहीं, उसको भगवान से जुड़े, अच्छे के लिए करें, तब वो अमृत बन जाएगा, जीवन में मिठास अनुभव होगा, नहीं तो वही जहर बन करके आता है। अतः संसार में जितना जो कुछ भी किया जा रहा है वो भगवान के लिए हो, इसलिए भगवान ने कर्म योग की बात कही। एक शब्दों में हुआ ना, अच्छा ज्ञान योग। एक ज्ञानी व्यक्ति घूमता फिरता है, सारे दुनिया में घूमता है, घूम करके अंत में वासुदेव सर्वमिति, कि संसार में ढूंढते 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 अंत में हार करके बोले भाई वासुदेव सब कुछ है और कुछ नहीं बचा, है ना। तो उनके चरण में शरणागत होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों का बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति, बड़े बड़े बुद्धिमान देखिए फेल हो जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन फेल हो गया, यही प्रॉब्लम होता है। जब भगवान से जुड़े रहे हैं, उनको आधार बना करके चले तो कभी कोई गड़बड़ी नहीं। इसलिए गीता में क्या होता है,
ज्ञान दियो। फिर भगवान क्या बोले, हर मानव हर प्राणी के अंदर में भावना है, सबका हृदय है। एक कुत्ते बिल्ली तक को देखें, उसको प्यार करें तो बस प्यार पाते ही वो खुश हो जाता है, है ना, वफादार बन जाता है। तो देखिए उसके अंदर में भावना है, भावना सबके अंदर में है, पर हम कहाँ दे रहे हैं भावना को, संसार में बिखेर रहे हैं, इधर में उधर में बहुत जगह। तो भगवान बोले नहीं, अपनी भावना को मेरे बीच में दीजिए, मुझको दे। यही है भक्ति योग, भगवान ने यही बात कही है। लोग देवी देवताओं में इधर उधर में बहुत जगह बिखरे हुए, कोई किसी को मानता है, कोई कहता है मैं तो माँ बाप की मानता है, मैंने अपनी भावना माँ बाप को दे दिया, मैंने उमुक व्यक्ति को दिया, उमुक देवता को दिया, उमुक साधु को दिया, अरे भाई कहीं भी दो तो भगवान को दो। भगवान कहते हैं मुझको दो। यही है भक्ति योग, है ना। तो गीता में ये तीन चीज बताए, मानव के जीवन में कर्म है, ज्ञान है और भक्ति है, बोले इन तीनों को मेरे बीच में जोड़ो, यही भगवान का कहना है। वही चीज अमृत बन जाएगा, बीच नहीं होगा। नहीं तो हर जगह कहीं भी जाए, जीवन भर एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, खूब किया करा दो, आज नीचे बोल रहा था, आज ये कल वो बोल रहा था ना कि बोले भाई दिल्ली में सोमनाथ बोल रहे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ा बिजनेस, कितने हजारों लोग काम कर रहे हैं वहाँ, सारा सब कुछ चल रहा था, चलते 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 अचानक ठप, सब जगह पैसा दब गया, निकला ही नहीं, आया ही नहीं, और उधर से सरकार ने उनके ऊपर दबाव डाल दिया, सारा करप्शन में चला गया, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना सब कुछ सब चला गया। यहाँ तक कि सिद्धांत महाराज जिसमें रहते थे, जिस बिल्डिंग को दिया था वो भी उन्हीं का था, वो भी चला गया, सारा सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो एक दिन बहुत बड़े धनी आदमी, बहुत आ रहा है, चल रहा है, हो रहा है, जा रहा है, और कितने करोड़ों का डूब गया, ऐसे मैंने देखा न्यूजीलैंड में दामोदर को, उनका मैंने पूछा प्रभु आपका कितना था जो करप्शन में चला गया, बोले 1,000 करोड़ का। इतने जमीन जायदाद ले लिए थे और उसमें क्या करना था, उसको बेच करके ही देना था, प्रॉपर्टी बना करके, बड़े बड़े प्रॉपर्टी भी बना रहे थे, कोई जगह, एक बार मैंने 4 बार हवन किया, नहीं हाँ 6 प्रोग्राम और 4 जगह हवन एक दिन में, बारिश में भीग भीग करके किया, भीगते हुए हवन किया, बड़े जोर बारिश, उस छतरी नहीं कुछ नहीं, ऐसे भीगता रहा, बोले आग बुझने नहीं दूंगा, कितना बारिश होता है देखें, धुआंधार बारिश, बोले होने दो हमारी आग जलती रहेगी। तो ऐसे किया, उसमें ही हवन करता रहा, और वहाँ पर उन्होंने वो अच्छा बनाया, मार्केट पूरा बन गया। तो ये सब हुआ और वो करके दे रहे थे, तो सरकार को सहूलत नहीं है, बोले कि नहीं अभी हमें चाहिए, पूरा के पूरा कैप्चर कर लिया, सारा करप्शन में चला गया, नहीं तो कितने बड़ा, कितना बड़ा बिजनेस कर रहे थे, 1,000 करोड़ का इतना प्रॉफिट आता और क्या हो जाता, पंत होने ही नहीं दिया, कहाँ से कहाँ चले गए। फिर बड़े मुश्किल से टीका, फिर एक मंदिर बनाया, मैंने कहा प्रभु थोड़ा सा दिमाग तो ठंडा कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए, बाद में करें, बोले नहीं सब इधर उधर, मैंने
फिर से कर्ज में फंसेंगे, फिर मॉर्गेज में जा रहे हैं, फिर माने नहीं तो भी करते रहे, अभी चला रहे हैं तो वही चल रहा है। तो चलो देखा लोगों को भाई कितना बड़ा बड़ा बिजनेस फेल होता है, कैसे गिरते हैं। उनके ससुर कांति पूंजा के घर में गए फिजी में, जाते ही बोले बोले भाई मेरे लड़के को थोड़ा समझा कर क्या, थोड़ा ऑफिस में जाओ घूम के। मैंने कहा अच्छा जाता हूँ। बोले क्या होगा? अरे सारा नुकसान कर रहा है। तो मैं गया, जा कर के ऑफिस में बैठा, घूमता फिरता रहा, बात करता रहा। बोले भाई क्या कर रहे? उन्होंने बताया, बोले भाई फिजी में गेम्स हो रहा है, पैसिफिक गेम्स, जैसे T20 मैच होता है, ओलंपिक होता है, इस तरह का वहाँ पैसिफिक गेम्स। बोले उसमें मैंने कुछ पैसा लगा दिया। बोले कितना लगाया? बोले 750 करोड़ लगा दिया, दे दिया। मैंने कहा इसलिए तो पिताजी माताजी बोले ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आपको इसमें प्रॉफिट क्या है, आपको क्या लाभ है, क्या नुकसान है, आप बताइए। वो बोले कि भाई 750 करोड़ 750 करोड़ हमने दे दिया, इसमें से हम 500 करोड़ उठा रहे हैं, मेरे पास आ जाएगा कंपनी को, 250 करोड़ मेरा एडवर्टाइज में जाएगा, यदि मैं नहीं दूँ सरकार मुझको पकड़ेगा, सरकार लेगा, तो सरकार लेगा तो भाई वहाँ गेम्स में दे रहा, हम शो कराएंगे भाई वहाँ हमने दिया लो, तो कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो उसमें हमने दिया, फिर इस तरह से हम लाएंगे। मैंने कहा चलो 500 तो निकाल लेगा, 250 जाएगा एडवर्टाइजमेंट कंपनी के, उसमें जा रहा है, तो हिसाब किताब भाई उन लोगों का भी सही है। परंतु पिता माता को तो बड़ा धक्का लग जाता है ना, बड़े एक कंपनी से इतना सारा चला जाए एक साथ, तो ऐसे सब होता है, सब बड़े 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 लोगों का बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा दिमाग है भाई, हम लोग बच्चे हैं हमें पता ही नहीं हम क्या कहेंगे कितना कहेंगे। तो भी हंसी मजाक करके बात करके घूम फिर करके चले आए। तो ऐसे ये शास्त्र की बात, बड़ा दिमाग बड़ी बड़ी बात, समझना है समझे, नहीं समझे नहीं समझे कोई बात नहीं है। तो ये भाग गीता की बात है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने एंड में क्योंकि ज्ञान योग बोला ना तो वो बेस्ट है, पहले तो कर्म योग बोले, फिर भक्ति योग बोले, फिर एंड में बोले ज्ञान योग सबसे बेस्ट है। हाँ चलो कोई कुछ भी बोले, जो जिसको माने, पर भगवान ने तीन योग की बात की। भगवान ने कहा भाई मनुष्यों के पास में क्या चीज है, पहले उन्होंने देखा कि आपके पास क्या है। भाई आपके पास कर्म है, ज्ञान है और भक्ति है। विश्व मानव के लिए भगवान ने यही तीन चीज दिखा दिया, सबके पास कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है। बोले ठीक है आप अपना ज्ञान हमें दीजिए, हमसे जोड़ें, कर्म को भी मुझसे जोड़ लें, भक्ति को मेरे साथ में करते हैं, हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तीन योग की बात कही, चौथा योग नहीं कहा है ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता अब जो इसमें आ रहा है, जो योग धर्म की बात चल रही थी, अब जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, इतने बड़े किताब को सहज रूप में उन्होंने तीन धर्म की बात कही।
अनित्य धर्म यानी संसार धर्म, फिर नैमित्य धर्म और एक नित्य धर्म, बोले तीन को अलग अलग किया। एक निमित्त को सामने रख करके जो धर्म कर्म किया जाता है उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं। जैसे अभी पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, अभी क्या आएगा, दशहरा यानी दुर्गा पूजा आ रही है ना, बंगाल में पंजाब में सब जगह सब पागल हो जाएंगे दुर्गा पूजा के समय। तो बोले क्या है कि बादशाह एक पूजा है साल भर में देवी पूजा, इसमें सब लोग लगते हैं, सब आते जाते हैं, सब लोग घूमते फिरते हैं, तो ये होता है। ऐसे ही इसको क्या कहेंगे, नैमित्य धर्म। समय समय पर जो त्योहार आता है ऐसे अनुष्ठान करने की बात को, धर्म को नैमित्तिक धर्म कहा जाता है। ये सब समय नहीं आएगा, एक बार आता है बस, ठीक है भाई, साल भर में एक बार पूजा करना है, नैमित्तिक धर्म कहते हैं। संसार धर्म अपना पिता माता भाई बहन पुत्र परिवार इन सब को लेकर के जो हम निभा रहे हैं कर्तव्य को, इसको कहते हैं संसार धर्म, जिसको अनित्य धर्म कहा जाता है। और आत्मा का जो स्वभाव है आत्मधर्म, उसको कहा जाता है नित्य धर्म, है ना। तो जो को नित्य धर्म है आत्मा का, अभी मैंने आपको जो बात बताया था, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, कृष्ण ने कहा, भगवान राम ने कहा, सब ने कहा आत्मा के बारे में। पहले प्रश्न है मैं और मेरा से, मैं लेकिन मैं कौन हूं, पहले बताइए शरीर का कौन सा अंश मैं हूं, क्या मैं सिर हूं, क्या मैं पैर हूं, हाथ बॉडी हो, क्या हो, बोले सभी कुछ मेरा है, मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, सभी कुछ मेरा है। तो मैं कौन, शरीर का कोई भी अंश मैं नहीं बनता, मन भी मेरा है, मैं मन नहीं बनता, बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि नहीं हूं, मन नहीं हूं, शरीर भी नहीं। तभी इसके अंदर क्या है, जो चेतन वस्तु है वही मैं हूं, चैतन्य पदार्थ जो है, जो इसके अंदर है, जो बोल रहा है मुंह से बोल रहा है पर मुंह नहीं है, आंख से देख रहा है आंख नहीं है, कान से सुन रहा है कान नहीं है, नाक से घ्राण ले रहा है परंतु नाक नहीं है, ये शरीर नहीं है। शरीर के अंदर से जो बोल रहा है पर शरीर नहीं है, शरीर से जो निकल जाता है शरीर मरे के समान मुर्दे के समान पड़ा रहता है, ये पड़ा रहता है। तो उसके अंदर में जो चेतन पदार्थ है वही मैं हूँ, और वही मैं कौन है, आत्मा है। बोले आत्मा में चेतन वस्तु में और जड़ वस्तु में क्या अंतर है, अभी बताया ना कि ये सोफा है, ये क्या बोलेगा, इसके अंदर कोई इच्छा है, कोई क्रिया है, इसके अंदर कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं, आनंद है नहीं, पर हम चेतन पदार्थ जो है हम क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, जितना भी हम सुने फिर से और सुनने की इच्छा है, जानने की इच्छा, हमारे अंदर ज्ञान है, हम आनंद का खोज करते हैं, चाहते हैं, हर किसी काम का उद्देश्य होता है आनंद पाने का, कोई भी काम करे कुछ भी करे संसार में जो कुछ भी करें, सबके मूल मूल में क्या चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद मिले तो भाई सब ठीक है प्रेम है, नहीं तो चलो। तो इसलिए आनंद का खोज करते हैं, हमारे अंदर आनंद है, आनंद चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ गो ओपन, इट्स ओपन। तो ऐसे ही इच्छा है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम उसको चाहते हैं।
तो ये किस में है? चेतन वस्तु में, जरा दे तो चेतन वस्तु में इच्छा है, क्रिया है, ज्ञान है, आनंद है, परंतु जड़ वस्तु में तो नहीं है, इसलिए शरीर को जड़ माना गया और आत्मा को चेतन माना गया। तो उस आत्म चैतन्य को समझना जानना चाहिए। संसार के सारे वस्तु यदि एक को दे दिया जाए, केवल अमेरिका क्यों, पूरा वर्ल्ड यदि एक व्यक्ति को दिया जाए, क्या उसका अभाव मिटेगा, उसको तृप्ति हो जाएगी? नहीं। कौन सा अभाव है? आनंद का, ज्ञान का, इच्छा का। कि एक व्यक्ति को पूरा वर्ल्ड दे दिया, लो अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तो भी पूरी नहीं, उसकी आस मिटी नहीं। बैठिए, सिट डाउन। I kind of wanna, is it alright if I just wash up really quick? What do you think? My plumbing is totally screwed at my house, and so I didn't have a chance to shower today. Who knows? Yeah. Thank you. Taking bath. तो पूरा विश्व उनको मिल जाए तो भी अभाव नहीं मिटेगा, इच्छा की पूर्ति नहीं। ज्ञान चाहे कितना ही जान ले तो भी ज्ञान की कमी है, बोले और सुने और जाने, मरते दम तक सुनना चाहता है, जानना चाहता है। आनंद, आनंद के खोज में तो सभी लोग भाग रहे हैं ना, सभी दौड़ रहे हैं कि मूल में क्या है, किस लिए दौड़े, किस लिए आए, बोले आनंद पाने के लिए। मिला? नहीं मिला। बोले क्यों? ये सारा भौतिक, तो आनंद कहाँ है? भगवान में। लब्ध्वा आनंदी भवति, जब भगवान को पाले तब आनंद की प्राप्ति, तब पूर्ण होता है, यात्रा समाप्ति वहीं पर होती है। ये हमारी यात्रा चल रही है, सभी लोग घूम रहे हैं। भाई आप इंडिया से यहाँ आ गए, बोले किस लिए? खुशहाली के लिए, आनंद के लिए, है ना? हर चीजों में मूल में क्या है? आनंद, उसके लिए यहाँ आएंगे, शांति में रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुशहाली में रहेंगे, वही तो है आनंद, आनंद की प्राप्ति के लिए। इसलिए वहाँ कहा है, वो आत्मा में है, इसलिए आत्मा को अलग कर दिया और आत्म धर्म को अलग कर दिया। तो ये गीता की बात है। फिर दस मूल तत्व लाए, कृष्ण कौन है, शास्त्र क्या है, प्रमाण। इसके बाद भगवत तत्व, कृष्ण तत्व लाया। फिर भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, फिर अखिल रस के समुद्र है। इसके पश्चात जीव को लाया। जीव दो प्रकार के, एक बद्ध जीव है, दूसरा है मुक्त जीव। मुक्त जीव भगवत लोक में रह रहे हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये तो सब बद्ध जीव हैं, माया में फंसे हुए जीव हैं। बद्ध मुक्त जीव जिनको शरीर का बंधन नहीं है, शरीर से मुक्त हैं, उनका शरीर है अपराकृत चिन्मय शरीर, इच्छा मात्र ही सब कुछ कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी कुछ होता है। तो ये मुक्त दशा और बद्ध दशा। संसार जो है भेद है और अभेद है, जड़ चेतन सभी कुछ मिला करके है ना। हमारा जीवन जड़ और चेतन दोनों के मिलाप में हुआ कि अंदर में आत्मा चेतन वस्तु, शरीर तो जड़ है, वही चैतन्य आत्मा ही चला रहे ना। फिर भागवत में क्या दिखाते हैं? इस शरीर को हम भी नहीं चला पाते, हमसे नहीं चलेगा, पैरालिसिस हो गया, हम हाथ को चला नहीं पा रहे हैं, पैर को चला नहीं पा रहे हैं, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है,
हमारा हाथ पैर बुद्धि तो सब है, हम क्यों चला नहीं पा रहे? हमसे उठ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इस शरीर के अंदर चलाने वाला कौन है? आध्यात्मिक शक्ति परमात्मा है जो इस शरीर को चला रहा है। बिना चलाए चलेगा नहीं। गाड़ी में लोग सब बैठ गए, भरे हुए हैं, तो गाड़ी चल नहीं रही है। बोले क्या कमी है? ड्राइवर की। जो परमात्मा क्या कर रहे हैं? इसके शरीर रूप गाड़ी को चला रहे हैं, वो ड्राइविंग कर रहे हैं। तभी चल है इंग्लिश में बोल दीजिए, तू समझा दे थोड़ी देर, जितने इतनी देर सुना है। अच्छा बोलिए बोलिए, अब बोल दीजिए इंग्लिश थोड़ा सा हम दोनों को समझा। I'm telling Maharaj to speak in English so that all of you understand. The class hadn't started, he was just having a conversation. Okay. He was just telling about Atma and, you know, how there is soul and body, we should differentiate between them. Mm. So, Maharaj will speak up, not in English. We are speaking. All of the words. Everywhere. So who am I? I am body or any other? Atma. Atma. What is Atma? Spirit soul. Who has knowledge? Gyan. Who has happiness? Paramatma. No, Atma. That's not a question, he said. He's like Atma, that's the quality. He said, who has happened? So we are speaking. We are not body. We are soul. How is soul? All sampradayas, all sadhus, whole of the world. Everyone thinking body, mind, and knowledge. All sampradaya sadhus. Muslim, Christian, Hindus, everywhere. Buddhist, everyone thinking, I am body, mind, and knowledge. Three things. But Krishna told, Chaitanya Mahaprabhu told, we are not body. Because body is mine, my head, my hand, my legs, my body, my mind, my knowledge. Anyone not saying, I am knowledge, I am mind, I am body. Never. What is speaking? My knowledge, my body, my hand, my head, my legs, my back. My front, everything mine. But who am I? So I am soul. In this way we can understand. What is doing? No fulfilling. No complete. All day you are going, moving here, there, running, doing job, service, business, everything to. What you want? What is your desire? What I am doing? Everything for happiness. How become happy? You are going to movie. You are going to hospital. Going to doctor. Anywhere. So only one cause, how become happy, understand? So where is happiness? In this material world, not only America, not only USA,
whole of the world. If giving one world for one person fulfill his desire, complete, no need more, already I took whole of the world, but cannot complete. More desire, more desire. So, everything found, everything got, but no complete. I need more happiness. But who is complete? Where is complete? Where is everything will be fulfilled? When going to God, Sri Krishna, then everything will be complete. So everyone, we are journeying, going, walking, running. Where is end? When we can found to Sri Krishna, then will be end. Oh, complete. Need more? No need more. Full knowledge, full happiness, full eternity, everything complete. Otherwise, in the material world, what is doing, what is getting, or nothing. More, more, more. In this way, we have curiosity. We are traveling. So our travel will be complete there, not here. In this material life, spiritual life, both are different. Spiritual life, falling to God. So, before I spoke here, Srimad Bhagavad Gita, Sri Krishna spoke, Karma Yoga, Gyan Yoga, and Bhakti Yoga. Three types of yoga. In our life, what is here? We have karma. We are working. We have karma. We have knowledge. And we have karma, we have knowledge, we have mood. Sri Krishna spoke, when you are working for, why we work every day? Why you working? Working for family. Working for family. My wife, my children, my family, my relative. I am working for them. Working for myself. For me. Then we'll be happy. In this way, working. Everyone working. But what is result there? Everyone working, no happiness, nothing. Become poisonous, problem. Sri Krishna spoke, when you are working for me, for Krishna, for Sri Krishna, then no problem, everything good. Then will be nectar. Otherwise, poisonous. Everything. You are taking some food. Cook and eat. This is nectar. This is nectar. You took your food. So feel it. Nectar. Healthy. Nice. But when you are taking, after long time, already that food become damaged.
at that time huge. Then it will be changed. This is no nectar, then become poisonous. Same things. One is nectar, other is poisonous. In our life, we are doing karma. Everything karma become poisonous. Same karma. When we are working for Sri Krishna, oh, then nectar. In this Sri Krishna's pose, everything can do for me. You can do work. No problem. But offer to me. You have knowledge. But don't waste your knowledge. You can take shelter me. Then your knowledge will be right. Otherwise, so many persons at last fail. Oh, brain not working. Brain fail. Become damaged. In this way, Sri Krishna spoke, you can take shelter. Then knowledge will be safe and pure and complete. Otherwise, big problems. You have mood. We are giving. Don't give here, there, so many places. Give to me. I am protecting you. Sarvadharman parityajya mamekam saranam. Aham to am sarva papibhya muksha iswami. Sri Krishna spoke. You take shelter me, so I protect him you. I'll give protection. You don't worry. Sri Krishna spoke. This is meant. If you give hard mind to anywhere, distribute something, no complete, no successful, then will be problem. You follow me. Many persons, they distribute their heart, mind, knowledge, karma, everywhere distribute. No happiness, nothing. In this way, Sri Krishna spoke, only follow me. Give me. You can do your work, everything you can do. You leave your family. I never say, or don't live in family. Don't go there. But you can do, you leave. But you can offer me. Then everything will be nectar. Otherwise poisonous. Reactions coming. So in this way, follow me. So Sri Krishna spoke. Okay. Now we can start our program. Little kirtan. Madan Sanjay Gansa. Brian, you want to play this? Oh, I was just playing nice. If he wants to. Maharaj, do you want to play mridang or should I ask the one of these guys? आप थक जाएंगे ये लोग बजा लेते हैं. हाँ हाँ बजाए तो अच्छा है. हाँ he'll play mridang. Okay you can play. और Maharaj just he's a new devotee moved here from Alachua. Oh. So. Yeah. Oh from Alachua ba? Yeah. So many devotees in Alachua. Yeah. Stayed at Radha Govinda Mandir for a little while. Should we do this one Maharaj today? So we cover everybody. Krishna Haike Chaturmukha. No, wo to Guru Parampara wala wo shubh hota hai. और बताइए कौन सा कीर्तन करूँ.
कीर्तन है तो सब लोग हम लोग थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं, फिर आप इतनी देर बोले ही जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, मेरे को तो बड़ा ऐसा लग रहा है कब कितनी देर बोलेंगे। ठीक है तो कीर्तन हम लोग कर लेते हैं, कीर्तन में हम लोग हेल्प कर देते हैं। हां हां ठीक है, चलिए महाराज जी बीन स्पीकिंग कंटीन्यूअसली 6 आवर्स टुडे, 6 आवर्स आफ्टरनून आल्सो एंड मॉर्निंग आल्सो एंड नाउ। ए नो नो नो, एंड ही हैज सो मच डिजायर, नो प्रॉब्लम, ask me something, you don't ask something you feel bad, it's like महाराज जी saying ask me something। तो 2-3 घंटे सुबह बोले, he spoke 2-3 आवर इन द भाई देखो मैं बंगाल जाता हूं नून एंड नाउ फॉर लास्ट 1 आवर सब जगह मैं बोलता हूँ भाई समय तो थोड़ा सा है, आपके पास हम आए हैं, जितना समय है उतने समय में आप कुछ बोलिए पूछिए, जितना जानना चाहेंगे सुनना चाहेंगे, बंगाल जाएंगे तो पागल बना देंगे, 24 घंटे में 24 घंटे बोलना पड़ेगा। हमें तो ऐसा लगता है आप इतनी देर बोलते रहेंगे। महाराज जी आज अगर टाइम हो तो मुझे एक सॉन्ग का थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था परसों, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ते सद्मा, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोए सावधान मोते, बंधु मोए सावधान मोते, जहर जाते।
जी कौन सा जो आपकी इच्छा हो वैष्णव करना है क्या करना है हाँ बढ़िया ओए वैष्णव ठाकुर या हाँ वैष्णव ठाकुर ठीक है Yeah.
इसमें तो है 33 पे स्क्वायर में इसमें भी होगा होगा व्हिच वन नो 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 इट्स इन माय बुक सॉरी आई हैव व्हिच वन आर वी डूइंग सुनियाची साधु मुख है इट्स गोना बी ऑन 38 38 या एनीबॉडी वांट्स टू डू इट शुड आई डू ट्राई इट आई डू इट कैन आई डू इट हां हां यू स्टे इन द ट्यून ओके इफ नॉट देन यू करेक्ट मी ओके और महाराज जी कैन करेक्ट नहीं नहीं अब गाइए गाइए सुनिया छे साधु मुखे भले सर्व Ah, bro.
विषय वासन रूप चित्ते रवि Yeah.
चलो कोई बात नहीं है, और कोई कीर्तन करेंगे जैसे आपकी इच्छा महाराज जी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा इस कीर्तन का। आई हैव ट्रैवल इन हार्ट, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर टोल्ड, इन द हार्ट सो मेनी ट्रैवल, विषय वासना सो मेनी डिजायर, all material things, always living, always coming in my heart, so many desires, how should do? So I pray, I try, mentors, I try, but I have problem not going. So many problems, so many troubles. Always material desires. Too much attachment in material life. Nagelo Bikara Buddhi Sese Pranjaya, my life is going. Become old. Old is coming. But desire is not going. So many desires, big problems. So in this way, I am no peaceful. So my heart is very troubled. So I pray to Rupa Goswami. Oh Rupa Goswami, you are great merciful, giving me blessing. You give me Yukta Vairagya, renounced life, pure renounce, no false renounce, real renounce. O Sanatana Goswami, you take my all material desires.